तो अश्वत्थामा के पास उनकी मणि वापस कैसे आई और वो इस टीजर में किस फाइनल बैटल की बात कर रहे हैं जिसके लिए वो सदियों से वेट करते आ रहे हैं। और क्या ये छोटा बच्चा राया प्रभास का ही कैरेक्टर है जो कि और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि ही है। ऐसे ही और भी सवाल होंगे जो कि आप लोगों को परेशान कर रहे होंगे इस टीजर को देखने के बाद, तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी सवालों के आंसर्स को जानेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले तुम लोग भी अपनी फाइनल बैटल समझकर इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार अश्वत्थामा है कौन। तो जो अश्वत्थामा है वो एग्जिस्ट करते हैं महाभारत के टाइम से और वो पुत्र है गुरु द्रोणाचार्य के। उसके साथ ही जो अश्वत्थामा है उनके माथे पर एक मणि हुआ करती थी जो कि उन्हें संसार की सभी बुरी चीजों से बचाती थी और उन्हें बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी बनाती थी। अब जो महाभारत हुई थी उसका जो युद्ध है वो अश्वत्थामा ने लड़ा था कौरवों की तरफ से, और इसी युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने अपने बदले और रिवेंज की भावना में उन्होंने बहुत से गलत डिसीजंस भी लिए और बहुत से गलत काम भी किए जिसके कारण उन्हें अपने सर की मणि तो गंवानी ही पड़ी, लेकिन उसके साथ ही उन्हें श्री कृष्ण से एक श्राप भी मिला। और इसी श्राप के अकॉर्डिंग जो अश्वत्थामा है वो कलयुग के अंत तक ऐसे ही भटकते रहेंगे घायल होकर, और उनके घाव कभी भी नहीं भरेंगे और उनसे हमेशा रक्त और पस निकलता रहेगा, लेकिन वो कभी भी मरेंगे नहीं और हमेशा भटकते ही रहेंगे। अब ये तो थी अश्वत्थामा की ओरिजिन स्टोरी जो कि मैंने तुम लोगों को एक बहुत ही ब्रीफ इसमें समझा दी है। इसके ऊपर मैं एकदम बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। अब हम लोगों ने ये तो जान लिया है कि अश्वत्थामा कौन है और वो अभी तक जिंदा कैसे है, लेकिन हम लोग यहाँ टीजर में देख सकते हैं कि उनके पास उनकी मणि वापस आ चुकी है। तो ये कैसे हुआ? तो देखो, हमारी जो हिंदू हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे कल्कि, उनकी जो फाइनल बैटल होगी अगेंस्ट इविल, उस फाइनल बैटल में अश्वत्थामा कल्कि के सपोर्टर होंगे, उनके एडवाइजर होंगे और उनके साथ वो फाइनल बैटल लड़ेंगे भी। तो हो सकता है कि इसी फाइनल बैटल को भगवान विष्णु के अवतार कल्कि के साथ लड़ने के लिए अश्वत्थामा को उनकी मणि वापस कर दी गई हो ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ कल्कि की फाइनल बैटल में उनका साथ दे सके। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कल्कि मूवी के मेकर्स ने अपनी इस मूवी की स्टोरी में क्रिएटिव फिक्शनल लिबर्टी ली हो जिसमें अश्वत्थामा को समहाउ उनकी मणि वापस मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगला सवाल ये आता है कि ये जो छोटा बच्चा है क्या ये प्रभास का कैरेक्टर भैरवा है जो कि एक्चुअली में कल्कि अवतार है? अब पर्सनली तो मुझे लगता है कि हाँ, ये प्रभास का कैरेक्टर भैरवा ही है जो कि कल्कि का अवतार है। अब इस चीज के कई सारे रीजन हम लोगों को इस छोटे से टीजर में ही देखने को मिल जाते हैं। अब सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि जब ये बच्चा इस मंदिर में आता है तो यहाँ पर अश्वत्थामा जिस शिवलिंग की पूजा कर रहे होते हैं उस पर जो बूंद बूंद कर पानी गिर रहा होता है वो अचानक से गिरना बंद हो जाता है, और इसी के बाद अश्वत्थामा को समझ आता है कि उनके फाइनल बैटल का समय आ चुका है। और इवन अश्वत्थामा यहाँ पर कहते भी है कि वो सदियों से भगवान विष्णु के अवतार का वेट कर रहे हैं। तो वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कोई और नहीं बल्कि कल्कि है जो कि और कोई नहीं बल्कि ये बच्चा ही है। और इसी बच्चे के इस मंदिर में आने के बाद अश्वत्थामा को ये सब समझ आता है। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो अश्वत्थामा है वो कल्कि का उनकी फाइनल बैटल में साथ भी देंगे और उनके वो एडवाइजर भी होंगे, तो अश्वत्थामा का मूवी में सिर्फ इतना ही पार्ट नहीं होगा बल्कि अश्वत्थामा ही वो होंगे जो कि कल्कि के अवतार को तैयार करेंगे उनके फाइनल बैटल के लिए। ये जो बच्चा है प्रभास का कैरेक्टर भैरवा, इस बच्चे को ही अश्वत्थामा बचपन से ही मेंटोर करेंगे, उसे ट्रेन करेंगे, उसे महायोद्धा बनाएंगे, और अश्वत्थामा ही होंगे जो उसे समझाएंगे कि वो भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि है। और ये जो पूरा काम है गुरु बनने का, मेंटरिंग करने का और एडवाइजर बनने का, ये अश्वत्थामा बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि उन्हें ये सभी चीजें विरासत में मिली है अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य से। अब जिसके बाद दूसरा रीजन ये है कि ये जो छोटा सा बच्चा है वो इस छोटे से टीजर में कम से कम 6 से 7 अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहा है जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि ये कितने छोटे से बच्चे के लिए सीखना मुश्किल तो होता है अंटिल एंड अनलेस वो भगवान विष्णु के अवतार कल्कि हो। तो होप्स हो कि यार आप लोगों के मन में इस टीजर से रिलेटेड जो भी सवाल थे अश्वत्थामा से रिलेटेड या फिर इस बच्चे से रिलेटेड, होप्स हो कि उनके जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ, मैं उसका आंसर देने की जरूर से कोशिश करूंगा। उसके साथ ही मुझे कमेंट्स में ये भी बता देना कि क्या आप लोग अश्वत्थामा की एक बहुत ही डिटेल्ड ओरिजिन वीडियो देखना पसंद करोगे जिसमें हम लोग अश्वत्थामा से रिलेटेड हर बहुत ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल में बात करेंगे। बाकी तो बस, अब अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि अब ऐसी वीडियोस कल्कि से रिलेटेड बहुत सारी आएंगी इस चैनल पर। उसके साथ ही इस वीडियो में मैंने इंडियन सिनेमा में जो भी कुछ हुआ पिछले हफ्ते उन सभी चीजों पर बात की है, तो इस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट कर लेना। और तब तक के लिए देखते रहो सिंगुलैरिटी को।